अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त सीज़न में जो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जिन जिन चीज़ों का सीज़न चल रहा है उनके ऊपर हम मालूमाती वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं, तो आज ही हम लोग बात करेंगे माल्टे के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद के बारे में। माल्टे के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है और इसे आप मौसम सरमा के फलों का शहनशाह जो है वो भी कह सकते हैं। तो अब फिर से माल्टों का मौसम आ गया है और ये रसीला तुर्श फल लोगों को इतना पसंद होता है जिसके लिए हर वक्त ही आप कह सकते हैं कि पेट में इसकी खाने की गुंजाइश, इसकी जगह जो है वो बन जाती है। मगर क्या इस सब के टेस्ट के साथ आपको एक बात मालूम है कि इसके अंदर सिर्फ 85 कैलोरीज होती हैं और चर्बी, कोलेस्ट्रोल या सोडियम तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। यही वजह है कि माल्टा जो है वो इसके अंदर बेशुमार मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो पाए जाते हैं। माल्टा विटामिन सी से भरपूर फल होता है और ये फल जिल्द के लिए बेहतर साबित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपके दिल की अच्छी सेहत और आपके निज़ाम तनफ्फुस यानी जो सांस लेने का निज़ाम है उसके अमराज समेत कैंसर से भी ये तहफ्फुस दे सकता है। एक तहकीक के मुताबिक बताया जाता है जी कि माल्टा जो है वो खाने से इंसान की बॉडी का जो मुदाफ़ती निज़ाम है यानी उसका इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसको बीमारियों से महफूज रखता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की इंसान की पावर जो है वो बढ़ जाती है। माल्टा चूँकि विटामिन सी से भरपूर होता है, इसे न सिर्फ आप लोग छील कर खा सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। और जहाँ तक इसके फ़वाइद के बारे में बात करें तो अनगिनत बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। माल्टा जो है ये खून पैदा करने में मदद देता है जिसकी वजह से रंगत जो होती है वो साफ़ होती है। तो ऐसी औरतें जो कि अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं उनके लिए तो समझें ये मसला इससे हल हो ही जाएगा। इसके अलावा वो लोग जिनको भूख नहीं लगती तो इसका रस जो है वो भूख को बढ़ाता है और मैदे के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। माल्टे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाया जाता है जो कि इंसानी जिल्द के लिए मुफीद है। अगर आप लोग डेली बेसिस पर जिस तरह के अभी सीज़न चल रहा है माल्टा खाएंगे तो जो जिल्द के ढलकने का अमल होता है वो सुस्त हो जाता है। माल्टा जो है ये आपके निज़ाम हज़म की भी अक्सर ख़राबियों को दुरुस्त कर देता है और इसके लिए बहुत मुफीद है। और इसका जो सा जूस है वो दिल और दिमाग को फ़र्द बख्शता है और मैदे को कुवत देता है। और विटामिन सी की वजह से माल्टा जो है वो मसूड़ों से खून आने को भी रोक देता है और गर्मी के जहरों को ख़त्म करता है। ऐसे लोग जिनकी तबीयत में सुस्ती रहती हो, निशात ना हो, तो ये तबीयत में चुस्ती और फ़र्द पैदा करता है, जूद हज़म होता है और हलक से नीचे उतरते ही ये खून में शामिल हो जाता है और ग़िज़ा के हज़म करने में भी मदद देता है। माल्टे के अंदर पोटाशियम, विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाते हैं जो कि आँखों के लिए भी बेहद मुफीद हैं। अगर आप अपनी नज़र तेज़ रखना चाहते हैं तो रोज़ आप एक माल्टा खाने की आदत तो ज़रूर डाल लीजिए। तो चूँकि इस वक्त सीज़न है, एक तो क्या आप लोग ज़्यादा माल्टे भी खा सकते हैं, इसके अलावा इसके छिलके के अंदर भी बेशुमार फ़वाइद हैं। उसको इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और वीडियो क्लिप के अंदर आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जहाँ तक जी इसके मिजाज के बारे में हम लोग बात करें तो मिजाज के लिहाज से माल्टे का मिजाज सर्द तर होता है। डिफरेंट टाइप की इसकी अकसाम होती हैं जिसके अंदर जो है वो किन्नू है, फ्रूटर है, मौसमी है। तो माल्टा जो है ये मुफर्रे होता है, खट्टा मीठा और खुश जायका फल है। जो मीठा माल्टा होता है ये खून के अंदर वाइट सेल्स पैदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको बदहजमी का प्रॉब्लम रहता हो या जिगर की गर्मी होती हो ये उसको भी दूर कर देता है।
जिगर की खराबी, सोजिश, इस तरह की बीमारियों वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन दोस्त अब आपको गर्मी में ये मसला होता है कि गर्मी के मौसम में हाथ पांव उनके जलते हैं, ऐसे महसूस होता है, हर वक्त जिस्म से गर्मी निकलती महसूस होती है, तो वो लोग भी उनको इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा माल्टे का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए माल्टा जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है। और अगर आप लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप भी माल्टे खाने के शौकीन हैं तो आप लोगों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है, और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि माल्टा जो है इससे आपकी सेहत को बेशुमार फ़ायदे हो सकते हैं। चूँकि ये विटामिन सी से भरपूर है, तो एक माल्टे से जिस्म को रोज़ाना जितना विटामिन सी दरकार होता है उसका 70% मकदार जो है वो एक माल्टे से आपको मिल जाती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अहम रोल जो है वो अदा करती है। ये विटामिन जो है वो आयरन को जज़ब करने के लिए भी एक है जी, आयरन का पैदा होना, एक है आयरन का एब्जॉर्ब होना। तो ये विटामिन आयरन को जज़ब करने के लिए भी अहम होता है, जबकि जिस्म को खून की शरियानों और मसल्स की तश्कील के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। और विटामिन सी के साथ साथ चूँकि इसके अंदर फाइबर जो होता है वो भी पाया जाता है, तो फाइबर से ना सिर्फ कब्ज़ से बचने में जो होती है वो रिलीफ मिलती है, इसके अलावा ये गज़ाई जूस जो है वो आंतों को भी सेहतमंद रखता है, इसके अलावा आपके ब्लड शुगर और आपके कोलेस्ट्रॉल की जो उनकी सतह है ये उसको भी कम कर देता है। तो माल्टों में मौजूद फाइबर से पेट भरने का एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है, जिसकी वजह से जो जिस्मानी वज़न होता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो चूंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट्स भी है, उससे भरपूर फल है, इसलिए मुख्तलिफ तरह के वर्मों से लड़ने में अद्वियात से ज़्यादा जो है ये पावरफुल हमारे लिए साबित होता है। पोटाशियम से भरपूर है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत अहम रोल जो है वो अदा कर देता है। तो इस तरीके से बेशुमार किस्म के फ़वाद हैं कि जितनी इसके ऊपर बात की जाए वो कम है, लेकिन वीडियो चूँकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको पूरा करते हैं, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके जो उनसे छिलके हैं उसके अंदर क्या क्या फ़वाद पाए जाते हैं, उससे आपकी ब्यूटी को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके अलावा इसका ऑरेंज ऑयल रेडी होता है वो कैसे तैयार किया जाता है और उसे कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। दुआ में याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।